I told you that usage is different and structure is different in case of structure we only say that what is the physical structure of the sentence but in case of usage we see why we will use the sentences usage is different in short and it is known to you that we have already completed the usage of present simple or present indefinite. I have told you that present, uh, simple or present indefinite is used for habitual actions. For example, he gets up early in the morning. She returns from college at six. My father loves taking tea every morning. These are habitual actions. Number second. In case of presenting individual, I told you that it expresses universal or general truth. For example, the earth moves round the sun. Honesty is the best policy. The sun rises in the east. Also, I have already told you that this is used for this is used by the community commutator for. The supporting events. For example, I have told you the bowler throws the ball and the batsman hits it. Also, very important rule that is, it is used to express official plans, which I already told you. For example, your exam starts from Monday. In the same way, for example, the pm visits kashmir next sunday. this is for official. you have to remember here. for official plans only. yes. also i told you that it is used for ex to express the quotes of the great writers. whatever is said by the great writers. for example, we say, prophet says.

प्रजेंट कंटिन के यूसेज क्या है सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो प्रजेंट कन्टीन्यूस है अगर हम हाँ स्ट्रक्चर के लिहाज से देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि इसमें फ़ोर्थ फार्म होती है आपको मैंने पहले ही कहा कि कंटिनस के साथ फोर्थ फार्म और इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ एम आर तो वो मैंने आपको कहा इज़ किसके साथ एम के वो टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो यहाँ आपको याद रखना है कि आप इसके कुछ यूसेज हैं कुछ रूल्स हैं तो वो क्या है सबसे पहला जो इसका रूल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मिसाल के लिए हम इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यानी कि इसी वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम या ही इज़ कुकिंग नाउ या शी इज़ राइटिंग ए लेटर एट प्रेजेंट आर वी आर सिटिंग इन द गार्डन यानी कि जो हम जब हम बात करते हैं तो उसी वक्त अगर हम कोई काम करेंगे तो वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि मैंने आपको उस वक्त कहा है कि इसमें हमें ना बिगनिंग मालूम होती है ना एंड इसमें खालस मिडल मालूम होता है तो ये मैंने आपको कहा है नंबर वन नंबर सेकंड ये कहाँ यूज़ होता है टू एक्सप्रेस वन इमजेट पर्सनल प्लान ये भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है मगर ऑप्शन नहीं क्योंकि ऑप्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडिफ़िनिट को इस्तेमाल करते हैं पर्सनल अगर किसी इंसान को अपने कोई काम उसने मतलब प्लान रखी है फ्यूचर के लिए तो वो यूज़ कर सकेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस जो मैंने आपको कहा था मिसाल के लिए वी आर विजिटिंग आगरा दिस वीक या ही इज़ गेटिंग मेरीड this month yeah or she is singing she is singing at the concrete this sunday or in the garden this sunday यानी कि जो आपका पर्सनल प्लान होगा या और किसी का पर्सनल प्लान होगा वह हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस हालांकि ये फ्यूचर दिखा रहा है क्योंकि इसीलिए मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे ग्रेमर ग्रेम आज कहते हैं कि दो ही टेनिस हैं देट इज़ प्रजेंट एंड पास्ट फ्यूचर हम प्रजेंट से ही रिप्रजेंट करते हैं हाँ और एक है इम्पॉर्टेंट रोल इसका मैं ये याद रखना है मैं खाली से रूल्स कह रहा हूँ वरना तो बहुत सारे रूल्स हैं ये रूल क्या है टू एक्सप्रेस एक्शन टेकिंग प्लेस अबाउट एट द प्रजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी कि जो काम हम आज करते हैं आज कल हम वो काम करते हैं मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो काम इस वक्त करते हैं यानी कि कोई टेम्परी रिएक्शन होगी मिसाल के लिए आई एम रीडिंग माई नावल या आई एम राइटिंग माई नाल विच आई एम रॉटिंग इन रियल लाइफ आल्सो आई एम राइटिंग माई नाल मैन कैन बी डिस्ट्राइड बट कैन नाट बी डिफीटड मैं तो लिख रहा हूँ मगर इस वक्त मैं नहीं लिख रहा हूँ मैं तो मैंने आपको शायद इससे पहले भी कहा है कि मैंने ऑलरेडी चार बुक्स लिखे हैं वो तो अमेज़ॉन पर हैं आपको शायद अभी आप मेरा नाम याद नहीं होगा तो मेरा नाम है पीर सलीम जहांगीर और मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सलीम सर और मेरी एक चैनल भी है मेरे नाम पर उसका नाम है सलीम सरज एकेडमी यू कैन वॉच दैट आल्सो फ्रॉम द यूट्यूब दैट इज़ सलीम सरज एकेडमी वहाँ मैंने इंग्लिश पर बहुत पढ़ाया है हाँ इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है जो काम हम आज कल कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं हम इस वक्त करते हैं आजकल जो हम करते हैं मिसाल के लिए ही इज़ राइटिंग ए बुक फॉर चिल्ड्रन यानी कि वो इन दिनों लिख रहा है ये जरूरी नहीं है इस वक्त हाँ मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे बहुत आसान है बहुत आसान है इजी है फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ सेंड द फीडबैक फीडबैक इज़ नेसरी फीडबैक इज़ कंपलसरी विदाउट फीडबैक वी काट से एनी थिंग यू कैन शेयर फीडबैक यान शेयर फीडबैक टू माई ऑन माई चैनल दैट इज़ सलीम सरज अकैडमी हाँ now very important very important that is fourth rule here Wait, this is very important you have to remember this what is this aapko yahan dekhna hai ki kuch verbs aise hain jo hum present continuous mein primary purpose के लिए use नहीं करते हैं कभी आप मुझे दिखाएंगे sir है ना कभी मगर उसका माना वहां और कुछ होता है इसकी मीनिंग और कुछ होती है ये आपको याद देखना है थोड़ा क्या है द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिनस टेंस ये वर्ब्स जो मैंने आपको नॉर्मली कहा है ज़्यादातर या प्रेमली यूज़ के लिए कंटिनस में इस्तेमाल नहीं होती एग्जाम में कंपिटेटिव एग्जाम में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में यही पूछे जा रहे हैं इनका ख्याल रखना होता है यानी कि इन वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं हम इनको प्रेजेंट इन में इस्तेमाल कर सकते हैं आपको लगे क्या कि ये ठीक है अगर आप इसके साथ प्रेजेंट मगर वो गलत होता है फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है वर्ब्स ऑफ सेंसेस और परसेप्शन जो आपके सेंसेस हैं हमें मालूम है कि हमें पांच सेंसेस हैं या परसेप्ट जो हम करते हैं फील करते हैं उनके साथ जो वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ हमें कंटिनस नहीं इस्तेमाल करना है मिसाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग यू मतलब इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ अब अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ मुझे ये नहीं कहना है आई एम सींग आर लुकिंग टवर्ड्स यू गलत मुझे ये कहना है आई सी आर लुक टवर्ड्स यू ये तो यूसेज है या, आपको याद रखना ही है या मिसाल के लिए आपके पास कोई आइसक्रीम होगी आप कहेंगे इट इज़ टेस्टिंग वेल गलत इट टेस्ट इज वेल या आप मेरे साथ बात करेंगे या और कोई आपके साथ बात करेगा आप कहेंगे आई एम हियरिंग यू गलत आपको कहना है आई हेयर यू यानी कि जो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है या वर्ड्स ऑफ सेंसेस हैं उनके साथ हम इन फॉर्म कंटीन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हम इसी नतीजे पर लास्ट पर पहुँचे दूसरा क्या है वर्ब्स ऑफ लाइक एंड डिस जहाँ भी वर्ब्स ऑफ लाइकस और डिसाइकस होंगे उनके साथ भी कंटिन्यूस यानी कि इन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे आई एम लाइकिंग हिम आर हर गलत आपको कहना है आई लाइक like या आप कहेंगे आई एम डिसलाइकिंग यू गलत आपको आई डिसलाइक यू आप कहेंगे आई एम लविंग गलत आपको कहना है आई लव हिम या आई हेट हिम या आई डिज़ायर टू बिकम ए गुड मैन या आई वांट टू हेल्प यू नॉट आई एम वांटिंग गलत हाँ आप नहीं। ये आपको ये इम्पॉर्टेंट है कंपटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ और है, वर्बस एक्सप्रेस विश आपको यहाँ देखना है वर्ब से एक्सप्रेस विश में क्या है जो आपकी चाह दिखाएंगे मिसाल के लिए विश वो जो भी वर्ड से रिलेटेड होगा डिजायर वांट आप वी आई एम टू बिकम डॉक्टर गलत आई वांट टू बिकम आई एम विशिंग टू गो टू एनी पिलग्रिमेज टू हज गलत आई विश ये आपको यहाँ देखना है हाँ इसी तरह है वर्ब्स ऑफ पेशन अगर आपको पोज में कोई होगा आपके पास कोई चीज़ होगा मिसाल आप कहेंगे आई एम हैविंग ए बाइक गलत या आई एम ओनिंग हाउस गलत आप कहना आई हैव ए बाइक आई ओन ए हाउस या आई पॉजेस दिस बुक ये आपको याद रखना है यह और क्या है वर्बस कनेक्टेड विद माइंड जो हमारे माइंड के साथ वर्ब्स रिलेट करते हैं उनके साथ भी हम इन फार्म इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन इस्तेमाल नहीं करते हैं आप कहेंगे आई एम थिंकिंग आई विल हेल्प यू गलत आई थिंक आई एम सपोजिंग दैट ही विल कम हियर गलत आई सपोज दैट ही विल कम आई एम नोइंग हिम बिगनिंग ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन इस्तेमाल नहीं कहते मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कम से कम मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ इसमें एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डिमांड कर रहे हैं सर आल ये मतलब वीडियोस में पढ़ाने के लिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी मतलब वो यहाँ मैं सैन नहीं कर पा रहा हूँ वरना मैं तो मैंने तो बहुत कोशिश की है वीडियो बनाने की तो मुझे ये सर को लतीफ़ सर को सेंड करने पड़ते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है फिर ये डाउनलोड नहीं होते हैं तो इसीलिए उसके लिए आप मैंने आपको पहले ही कहा है कि उसके लिए मेरी एक चैनल है जिसका नाम है सलीम सर एकेडमी अगर आप चाहें आप वहाँ भी देख सकेंगे गूगल पर आप सर ये क्या कहते हैं यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे सलीम सर अकेडमी एस एल डब्ल एम सलीम एस आर आर डबल सर्ज़ एकेडमी तो आपको याद देखना है मगर जो मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ थोड़ा उससे बढ़िया ही होगा आप कहेंगे क्यों क्योंकि वो मैंने एक दो महीने पहले ही पढ़ाया था अब मैंने थोड़ा जो मटेरियल हैं इसको थोड़ा अपडेटेड किया है अपने मतलब जो मेटेरियल हैं वो अपडेटेड होगा और बुक्स मैंने मार्किट से लाए आप हैं आपको कोई बुक मार्केट से नहीं लानी है मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस बुक से कोई टॉपिक अच्छा होता है मैं इसी बुक तो 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 को सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं बहुत सारे ग्रामर हैं आपको कोई ग्रामर मार्केट से नहीं लाना है जिस ग्रामर से मुझे लग रहा है कि उससे ये टॉपिक वो टॉपिक अच्छा है मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब मैंने जो लेक्चर्स अपने चैनल पर अपलोड किए हैं सलीम सर अकेडमी पर आप वहाँ भी वाच कर जाएंगे मगर यहाँ में थोड़ा उससे जो मटेरियल होगा वो थोड़ा मॉडिफाइड होगा हाँ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो मैंने पहले अपलोड किया था आजकल तो मैं नए तरीके से पर हाँ और आपको याद रखना है कि वहाँ तो मैंने टेंथ बाकी आपके जो मतलब आपके घर में जो बच्चे होंगे टेंथ के ट्थ के वहाँ मैंने उनका सिलेबस कंप्लीट किया है इसी तरह मैंने वहाँ सिलेबस किया है कंप्लीट जो ग्रेजुएशन करते हैं स्टूडेंट्स आ, कश्मीर यूनिवर्सिटी से या जम्मू यूनिवर्सिटी उनका सिलेबस मैंने वहाँ कंप्लीट किया है इसी तरह मैं वहाँ लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ कश्मीरी लैंग्वेज में कश्मीरी लैंग्वेज में मतलब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ वहाँ वो समझ में आएगा वहाँ और सबसे अच्छा वहाँ है एक प्ले जिसका नाम ही है लर्न इंग्लिश लैंग्वेज लर्न इंग्लिश ग्रामर बाई कश्मीरी लैंग्वेज यानी कि मैं आपको वहाँ कश्मीरी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर जिसको यहाँ उर्दू में समझ नहीं आया होगा या इंग्लिश में समझ नहीं आता है वो वहाँ कश्मीरी से मतलब मैं में कश्मीरी में वहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वो उसको भी वाज कर सहीगा मगर फिर भी मैं यही कह रहा हूँ जो यहाँ के मिटरल uh, होगा वो उससे बढ़िया होगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल अपडेट कर रहा हूँ ये तो जरूरी सी बात है थैंकस आई होप दैट यू हैव टू डिट एंड आई विल सेंड लेक्चर टू यू एंड बट please send the feedback thank you thank you too much thank you but send the feedback thank you